हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया उसके आगे अगर हम कंटिन्यूशन में देखें तो आपकी बुक में एक एडिशनल कैपिटल के ऊपर एक छोटा सा राइटअप है, उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फ्रेंकली वो मैं नहीं आपके साथ ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने को। अगर एक आदमी की ओपनिंग कैपिटल, आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है, राइट? अगर हमारी कैपिटल 1 लाख है मान लेते हैं तो फिर पूरे साल पे 1 लाख पे मिलेगा। अगर साल के बीच में मैंने 20,000 और इंट्रोड्यूस कर दी तो 20,000 रुपए और मिल जाएगा। ऐसे अगर मैंने साल के बीच में अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली तो अकॉर्डिंगली वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इसको पढ़ लो, बहुत ही बच्चों वाली चीज है इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा। उसके बाद आपको ना एक फॉर्मेट सा बना के दिया हुआ आपकी बुक में कि अगर हमारे को क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हो, यानी बैलेंस शीट दी हो या कुछ ऐसा दिया हो जिसमें हमारे को क्लोजिंग कैपिटल्स दिए हो और आईओसी कैलकुलेट करना हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, एक सेकंड पहले बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है बिकॉज वही तो कैपिटल है जो सारे साल लगी रही आपके बिजनेस में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है और क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट गिवन हो या वट एवर वे में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब आपकी बुक के अंदर जो है वो फिक्स कैपिटल के हिसाब से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से दो अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं। अब मैं उसको अलग अलग नहीं पढ़ा रहा, वो भी अब देख लो, उसमें समझाने का बताने का ज्यादा कुछ नहीं है भैया। अगर फिक्स कैपिटल वाला फंडा होगा, आपको पता है कि अगर फिक्स कैपिटल के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बना हुआ है तो उसमें तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही ट्रीट होगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसमें तो फिर सारी एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आप बोलोगे सर सारी एडजस्टमेंट्स कौन सी? अरे आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, सब ऑल काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, आईओसी, आईओडी, सब कुछ। क्या नहीं आता उसमें? बजाय मैं आपको कि ये बताऊं कि क्या आएगा, मैं तो बोल रहा हूं क्या नहीं आएगा, सारी एडजस्टमेंट्स होंगी फिर। अब अगर आप बुकिश वे में सीखते हो चीज को, आपकी इच्छा है, अगर आप बुकिश वे में सीखते हो चीज को तो रटने जैसा भी लग सकता है। नहीं तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आपको पहले सीधा सीखना होगा और फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसको उल्टा ही करना है, बस। मैं आपको भी करके बोर्ड पे बता रहा हूं, आप इसको चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखो, अगर किसी के पास भी ओपनिंग कैपिटल है क्वेश्चन में और हमें पहुंचना है क्लोजिंग कैपिटल पे, साफ ही बात है ना कि जो कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी वो हो गई ओपनिंग कैपिटल और जो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है वो हो गई क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचना है तो सारी एडजस्टमेंट होंगी ना। सबसे पहले देखो एडिशनल कैपिटल क्या होगा, प्लस होगा क्या माइनस होगा? आप बोलो सर प्लस ही होगा ना। अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, मैंने 2 लाख और लगाए तो एड ही होगा, उसमें क्या बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद होगा हम पार्टनर के अकाउंट में प्लस करते थे, ड्रॉइंग माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी माइनस करते थे। अगर कोई सैलरी है, अगर कोई कमीशन है, अगर कोई प्रॉफिट है जो पार्टनर को मिलना है तो ये सब चीज हम ऐड करते हैं, बस। कुछ भी नया नहीं बताया मैंने आपको, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हम पहले कर चुके हैं वही है। तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ेगी, आईओसी जुड़ेगा, ड्रॉइंग आईओडी माइनस होगी। अब यही चीज अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आपको बताना हो, नहीं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। देखा जाए तो दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है साल के शुरू में जो है, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको अकाउंट भी बनाना पड़ जाए, बाय डिफॉल्ट तो आप स्टेटमेंट ही बनाओ ये वाली, किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप अकाउंट भी बना सकते हो। तो पार्टनर्स अकाउंट में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, उसके बाद यहां क्या क्या आएगा? नेचुरली इसमें बाय आईओसी आएगा, बाय एडिशनल कैपिटल आएगा, बाय सैलरी कमीशन आएगा, नहीं बाय प्रॉफिट आएगा। ये सब चीजें आपके नेगेटिव इधर आती है ना, आपने पहले सीखा ही वही।
और इधर ले देखिए, हमारे पास दो ही एंट्रियां ज्यादातर मिलती हैं, टू ड्रॉइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये दो ही चीजें हो जाती हैं और उसके बाद हम कर देते हैं बस इसको बैलेंस कैरी डाउन विच इज क्लोजिंग कैपिटल। इसमें क्या मुश्किल है? ये मैंने क्यों बना के दिखाया कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये तो आप क्लास 11th में सीखा है कि इंक्रीज ऑफ कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, ये बात हम क्लास 11 में ही सीख चुके हैं। तो इसका मतलब कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी ना सर, ये डेबिट साइड होती है, इतना तो आपको सपनों में भी गलती नहीं होगी। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं, वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल बढ़ाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाती है, सैलरी कमीशन प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं। मैं जानबूझ के लॉस नहीं लिख रहा, वो तो ठीक है, जब प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा तो लॉस डेबिट होगा। सो आई मीन आप इस मेथड से भी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल जो आपको देकर दूसरी चीज निकलवाए आप कर सकते हैं। अब ज्यादातर हम करते हैं, आप देखोगे आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो ज्यादातर हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में चलते हैं, ज्यादातर हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में चलते हैं। मैं लिख नहीं रहा सर, लेकिन आपको क्वेश्चन में कई बार क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और आपको ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना होगा, तो उल्टा नहीं कर सकते क्या हम इसका? जो इतने क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं इस चैप्टर में, जो थोड़े थोड़े कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, अब हमें सिर्फ उसका उल्टा करना है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां हमने सिर्फ ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दो चीजें माइनस की थी एग्जैक्टली। अब यहां पर ये दो चीजें आईओडी एंड ड्रॉइंग, ये दो चीजें ही आपकी ऐड होंगी, बाकी सब आपका माइनस होगा, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे आईओसी हो, चाहे सैलरी कमीशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, ये सब चीजें माइनस होंगी, तब आपका निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। और हमेशा इस ओपनिंग कैपिटल पर क्वेश्चन आईओसी निकलवाएगा आपसे। बस अब आने वाली जो हमारी सीरीज है कुछ अगले क्वेश्चंस की, उसमें यही कंसेप्ट बार बार घुमा घुमा के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि भाई आपको बजाय ओपनिंग के क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। दैट इज द पॉइंट इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट फॉर्मेट में करो, बुक में भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही किया हुआ है, लेकिन अगर आपको अकाउंट भी बनाना पड़ जाए पार्टनर का तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, इट इज इजिएस्ट थिंग। मैंने आपको बताया दिया एंट्रियां क्या है, सब कुछ तो क्रेडिट होता है, सिर्फ ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही डेबिट होता है। और इसमें भी मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि रटने वाला कुछ नहीं है, नई चीज आपके लिए कुछ नहीं है। आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जब से हमने ये पढ़ी है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, शुरू से ही हम ये सब चीजें तो डील करते आ ही रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों का पता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट को हम स्टेटमेंट एंड अकाउंट दोनों मेथड से सॉल्व करके सीखते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।